नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और चुनावी चर्चा के लिए मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। रवि जी के साथ आज हम कई विषयों पर चर्चा करेंगे जो तात्कालिक है, प्रासंगिक है। सबसे बड़ी चर्चा ये कि मुकेश सहनी ने BIP से किसका टिकट कन्फर्म कर दिया और रेस में कौन दौड़ रहे थे जिन्हें बाहर कर दिया। फिर देखिए हम चर्चा करेंगे, आज पूर्णिया की चर्चा भी होगी, पप्पू यादव है, क्योंकि आज पूर्णिया में JDU को और RJD दोनों को अजीत सरकार याद आ गए हैं। फिर हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि अश्विनी चौबे रो रहे हैं, कह रहे हैं मेरा कसूर क्या, मैं तो फकीर आदमी ठहरा, मैं ब्राह्मण हूं, क्या यही मेरा कसूर है। फिर हम चर्चा ये भी करेंगे कि JDU के वे विधायक कौन हैं जो अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार नहीं कर रहे हैं, भागे भागे चल रहे हैं। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी और सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी के बारे में खबर ये है रवि सर कि मुकेश सहनी ने एक टिकट झंझारपुर का फाइनल कर दिया है गुलाब यादव का, आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, निश्चित रूप से यही जानकारी हमारे पास भी है ज्ञानेश्वर जी कि झंझारपुर से गुलाब यादव जी मजबूत और सशक्त उम्मीदवार जी, और पहले तो उम्मीद उनको थी कि उधर से मिल जाएगी, लेकिन सीट आ गई। हाँ, सीट आ गई इनके पास, BIP के पास मुकेश सहनी के पास। तो अब मजबूत उम्मीदवार, मजबूत पहलवान, इससे उधर कुछ नहीं मिल सकता है झंझारपुर जी। तो वह गुलाब यादव को इसलिए बनाया, और गुलाब यादव के बारे में थोड़ा सा हम लोग बताते हैं। उनकी पत्नी भी अंबिका गुलाब यादव MLC हैं, बेटी जो है जिला परिषद की चेयरमैन है। बिल्कुल, अभी 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 स्वास्थ्य प्रस्ताव उन्होंने फिर से जीता है। बिल्कुल। तो देखिए गुलाब यादव, देखिए आज ही मैं JDU के एक वरिष्ठ नेता से बात कर रहा था, तब तक यह जानकारी नहीं आई थी कि गुलाब यादव BIP के उम्मीदवार हो सकते हैं। यह माना जा रहा था कि कोई और होगा, तो JDU के वरिष्ठ नेता ने भी माना कि जो हमारे सांसद है रामप्रीत मंडल, जिन्हें टिकट दिया गया है दोबारा, उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकमेंसी है। बिल्कुल, लोगों का गुस्सा भरा पड़ा है और उनके स्वभाव को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनके कामकाज को लेकर रामप्रीत मंडल के खिलाफ नाराजगी है। लंबे समय से क्षेत्र में एब्सेंट उनके, तो लंबे समय से क्षेत्र में देखिए तो लोगों से मिलना जुलना भी कम, तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है रामप्रीत मंडल, फिर उनके सामने ला दिया गया गुलाब यादव को। तो हम राजनीतिक रूप से यह समझना चाहते हैं कि देखिए पहले यह माना जा रहा था कि वहां अति पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा की लड़ाई होगी, लेकिन अब गुलाब यादव आ गए तो क्या अति पिछड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई होगी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, वहां पर जो गुलाब यादव है जी, यह किस कॉम्बिनेशन में है? तो इस कॉम्बिनेशन में जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है, तो ऐसे में इनका जो कॉम्बिनेशन में जो फिक्स वोट है जी, वो तो है ही है, मुसलमान और यादव। अब सहनी भी साथ में हो गए, सहनी साथ में आ गए, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो वही, और वो भी मुकेश सहनी के उम्मीदवार होंगे, प्रतिष्ठा का सवाल हो जाएगा। तो वो ऐसे में अब आप यहाँ का पूरा समीकरण यहाँ का बदलता हुआ दिखाई पड़े, तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं। और वो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात आप कह रहे हैं, और यही बात पुख्ता है भी जी कि वो माने आप किसी से भी बात करिए तो वहां सिटिंग MP के खिलाफ वहां बहुत ज्यादा गुस्सा है, गुस्सा है, तो वो भी फायदा इनको होगा। और ऐसे में गुलाब यादव एक मजबूत और सशक्त उम्मीदवार, और उसके बाद जो मतलब लड़ाई होगी अभी, नतीजा चाहे जो है। हाँ, नतीजा चाहे जो है, मतलब मुकेश सहनी ने फंसा दिया झंझारपुर को। देखिए ना, अंबिका गुलाब यादव अपनी पत्नी को जब MLC उन्होंने बनवा करके जिताया, तो मतलब गांव तक पहुंचे, पंचायत समिति तक पहुंचे, इसका मतलब तो ये हुआ, फिर लोकल बॉडी जी, लोकल बॉडी से, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ है, तभी और फिर जिला परिषद में भी, जिला परिषद में भी, तो कहीं ना कहीं इनके फेवर में अभी तक दिखाई पड़ रहा है जी। अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की रैली होगी, क्या होगा वो अलग विषय, लेकिन एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुकेश सहनी ने आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं किया है, लेकिन गुलाब यादव ने आधिकारिक तौर पर अपने पेज से ऐलान कर दिया है कि वे BIP के उम्मीदवार है, और उन्होंने इसका पोस्टर भी लगा दिया है। बिल्कुल, तो अब झंझारपुर की बात तो स्पष्ट हो गई। हाँ, तो देखिए अब हम आगे बात करें, और बात करें मोतिहारी पूर्वी चंपारण की, तो माना यह जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, कि वहां 3 उम्मीदवारों के बीच रेस फंसी है जी, और ये जो रेस है, एक कुशवाहा है, दूसरे वैश्य है, कोई देवा गुप्ता है जिनकी पत्नी मेयर रही है, और तीसरे भूमियार है पप्पू द्विवेदी है, मोतिहारी के बड़े वकील माने जाते हैं, उन्हें चंपारण का राम जेठमलानी कहा जाता है। तो ये 3 उम्मीदवार हैं
जिनके बीच से मुकेश सहनी को फैसला करना है, तो मुकेश सहनी कब तक फैसला करेंगे, क्योंकि अभी पूर्वी चंपारण के चुनाव में कुछ समय भी है। अभी उधर का, अभी पहले इधर का फैसला हो जाए, झंझारपुर तो तीसरे चरण में ही है, इसलिए पहले उस पर उनका फोकस है, उसके बाद जैसे चरणबद्ध तरीके से ही सब लोग कर रहा है, तो ऐसे में हमको लगता है कि मोतिहारी भी जो है वह सबकी नजर है मोतिहारी पर, मुकेश सहनी कौन सा दाव खेलते हैं, और कई नामों के जो पप्पू देव, पप्पू दुबे, पप्पू द्विवेदी और देवा गुप्ता और एक कोई नयन कुशवाहा और जो राजेश कुशवाहा, इन लोगों की चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल, तो इसमें वो सेलेक्ट करेंगे कौन जिताऊ लड़ाका होगा, कौन पहलवान होगा। अब ये भी देखा जा रहा है देवा गुप्ता का नाम राजन यादव हत्या में आया था, तो एक माइनस पॉइंट ये आ रहा है कि जो समीकरण है उस हिसाब से, लेकिन फैसला क्या होता है, क्योंकि वहां देखना ये है कि राधा मोहन सिंह के वोट बैंक में, मतलब एनडीए के वोट बैंक में सेंधवारी कौन कर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही डेंट हो जो लगा सकेगा उसी को वह देंगे भी, और मुकेश सहनी ऐसे उम्मीदवार की तलाश में भी है जो मजबूत उम्मीदवार हो मोतिहारी में, वो लड़ता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि वहां पर भीष्म पितामह को हराना है जी। अगर इनको लड़ना होगा ज्ञानेश्वर जी, तो भीष्म पितामह है वो, तो कहा जाता है ना कि भाई चंपारण में देश में धारा 370 भले हट गया हो, लेकिन चंपारण में मोतिहारी में राधा मोहन सिंह का धारा 370 लागू है। तो देखिए, हाँ जी, अब देखिए मुकेश सहनी के खाते की तीसरी सीट गोपालगंज सुरक्षित क्षेत्र। कहा यह जा रहा था कि डॉक्टर सुनील रंजन पेशे से डॉक्टर हैं, बड़े सर्जन हैं, गोपालगंज के हैं, कि उनका टिकट कंफर्म हो गया है, हमने भी जानकारी दी थी, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है रवि जी कि नहीं, वे रेस से बाहर कर दिए गए, रेस से बाहर हो गए हैं, इसकी सूचना भी है। बिल्कुल, वो अब रेस से बाहर है और दूसरे उम्मीदवार की तलाश में वहां पर है, वहां पर भी मजबूत उम्मीदवार जो आपको मिलेगा जानकारी, हमको लगता है कल परसों तक वहां भी आ जाएगी जानकारी ज्ञानेश्वर जी, वहां पर भी दूसरे उम्मीदवार की तलाश में। हाँ, ये बताया गया कि डॉक्टर सुनील रंजन जो है इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। बिल्कुल, ये पहले बीजेपी से तैयारी कर रहे थे, फिर तुरंत आरजेडी से तैयारी करने लगे, और फिर बीआईपी से, तो ये किस नाव की सवारी कर रहे हैं, मन मस्तिष्क में क्या है, और ये जय श्री राम वाले हैं, तो शायद मुकेश सहनी का मन अटक गया है कि जय श्री राम वाले को तो देंगे ही नहीं जी, क्योंकि इनके एमएलए को जय श्री राम वालों ने चार को शामिल करा लिया जी, ये सबके सामने है, और इनकी नाराजगी कितनी है ये सब छिपी हुई नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से ये बहुत नाराज है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, वही विधायक को अपने पाले में करने को लेकर, तो इसलिए वह जय श्री राम वाले पर ये नहीं करेंगे। हाँ, वो जिसको भी ये करेंगे वो देखेंगे कैसा वो पहलवान है। नहीं, ठीक है, पहलवान देखिए, अब यदि डॉक्टर सुनील रंजन को नहीं मिल रहा है तो कई नामों की चर्चा शुरू हो गई है, कोई प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर है, उनके बेटे हैं संतोष, उनके नाम की चर्चा हो रही है, मुंगेरी लाल के परिवार से भी संबंध बताया जा रहा है। फिर देखिए समस्तीपुर के दो उम्मीदवार कांग्रेस खेमे के, टिकट तो एक को ही मिलेगा, कहा जा रहा है कि दोनों उम्मीदवार संपर्क में है मुकेश सहनी के, संभावित जो दावेदार हैं वे संपर्क में है कि यहां नहीं तो वहां, गठबंधन की बात ही है। देखिए सवाल है कि कोई भी उम्मीदवार तो संपर्क तो करेगा ज्ञानेश्वर जी, अब उसमें मुकेश सहनी को ही तय करना है, और मुकेश सहनी अपने भी करेंगे और साथ में जो तेजस्वी हैं उनके साथ में, आप देखिएगा तेजस्वी और मुकेश सहनी की ट्यूनिंग बहुत बेहतर है। बिल्कुल, तो वो ऐसे में हमको लगता है कि जो तेजस्वी से भी राय मशवरा के बाद ही वह उस सीट पर वो फैसला करेंगे क्योंकि वह सुरक्षित सीट है। चलिए देखिए, तो ये बात हुई मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी की। अब हम बात करते हैं बाबा की, अश्विनी चौबे की। अश्विनी चौबे कल पटना आए, और पटना आते ही उन्होंने क्या कहा, मैं फकीर आदमी ठहरा, मैं तो टिकट बांटने वाला था, क्या कसूर था मेरा, मैं तो ब्राह्मण हूं, क्या ब्राह्मण होना ही कसूर हो गया, तो ब्राह्मण कार्ड उन्होंने खेल दिया। और जैसे ही ब्राह्मण कार्ड खेला उन्होंने कहा मैं बक्सर का हूं, मैं बक्सर जाऊंगा, बाहरी नहीं हूं। बिल्कुल, तो मिथिलेश तिवारी की परेशानी तो बढ़ जाएगी निश्चित रूप से। देखिए बाबा को जिस तरह से दरकिनार किया जी, तो वो कहते हैं कि मेरी गलती क्या है, हाँ, मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है, मेरी तो हम भी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण होना मेरे लिए पाप है, या ये मेरा कसूर है, और हम तो भिखारी आदमी है, ये सब बात वो कह रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वह भी जो कार्ड उन्होंने खेला है ज्ञानेश्वर जी, बहुत मैंने सहानुभूति बटोरने वाला कार्ड है, और कहीं ना कहीं वही मिथिलेश तिवारी के लिए जिनको उनकी जगह पर बक्सर से उम्मीदवार बनाया गया, बनाया भारतीय जनता, वो उनके लिए परेशानी। और निश्चित रूप से बाबा जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे तो मिथिलेश तिवारी के लिए परेशानी होगी बक्सर में, मिथिलेश तिवारी के लिए परेशानी। हाँ, इसलिए बाबा को हम जहां तक समझते हैं मिथिलेश तिवारी को अगर यदि वहां पर कुछ बेहतर करना है तो बाबा को अपने
पास में लाना पड़ेगा और आशीर्वाद लेना होगा, आशीर्वाद देना होगा, नाराजगी उनकी दूर करनी होगी जी कि भाई हम नहीं, वहां परेशानी और भी है ना। आनंद मिश्रा बिल्कुल, जिन्होंने बीआरएस लिया, आईपीएस प्राधिकारी, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वे अरे हुए हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। तो आनंद मिश्रा जो भी डैमेज करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह, उनकी राह आसान है। ददन यादव परेशानी खड़ा, पहलवान, हाँ ददन पहलवान, ददन पहलवान परेशानी खड़ा करेंगे बिल्कुल। सुधाकर सिंह राजपूत है, जगदानंद के बेटे हैं, लेकिन जो मन मिजाज राजपूतों को लेकर इधर के दिनों में लालू यादव का है, मुश्किल होने वाली है निश्चित रूप से। देखिए राजपूत को वह जो टिकट जो वितरण की बात है वह कहां दिखाई पड़ रहा है, हाँ। तो इस बात को राजपूतों से भरोसा कम हुआ है लालू यादव, निश्चित रूप से। और यही बात कहीं ना कहीं वो राजपूत समाज में वो खल रही है कि भाई राजपूत का कोई गलती नहीं है, एकमात्र वो टिमटिमाता हुआ तारा सुधाकर सिंह दिखाई पड़ रहे, वो भी जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, इसलिए जो लोग जो आम पर माने जो चल रघुनाथ सिंह के बेटे का टिकट काट दिया आपने, महाराज की सीट दे दी कांग्रेस को, उधर जैसे नीतीश कुमार देखिए राजपूत को दे रहे हैं टिकट, तो वह इस यही तो परेशानी है। और इसलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं राजपूत भी और बीजेपी ने तो 5 सीटें दे दी, 5 सीटें, तो वह वोट उधर चढ़ेगा। हाँ नहीं देखिए एक और बात है ना कि अब देखिए जो उधर हम देखते हैं कि बक्सर में, काराकाट में, सासाराम में राजपूतों का नया नेतृत्व भी उभरा है। संतोष कुमार सिंह बिहार सरकार के मंत्री बिल्कुल बीजेपी के MLC और उनके भाई आलोक कुमार सिंह बहुत तेजी से राजपूतों के नए नेता के रूप में उभरे हैं। और अभी आप देख रहे थे कि जब सरकार का खेला हो रहा था और जिस तरीके से विधायकों को तोड़ा जा रहा था, तो संतोष कुमार सिंह और आलोक सिंह ने किस तरीके से उधर के विधायकों को तोड़कर बीजेपी के तरफ ले गए, यह भी देखने की बात हुई। तो ज्ञानेश्वर जी उसी का उनको पुरस्कार भी संतोष कुमार सिंह को मिला और उस इलाके के बड़े नेताओं के लिस्ट में इनका नाम अब शामिल हो गया। हाँ कहा जाता है कि 5,000 लोग तो उनके साथ काम करते हैं, जो उनका संस्थान है, उनकी कंपनी है, उनके कारोबार है, 5,000 लोग तो काम करते हैं। तो जगदानंद सिंह जो उधर एकाधिकार था कि राजपूतों के नेता हैं, मैं देखिए आरा की बात नहीं कर रहा, आरा में तो ठीक है रोहतास कैमूर, आरा की बात नहीं कर रहा, आरा में तो आरके सिंह भी हैं, मीना सिंह भी हैं, विशाल सिंह भी हैं, औरंगाबाद में सुशील सिंह भी हैं, रामाधार सिंह भी हैं, लेकिन सासाराम, काराकाट और बक्सर की बात करें तो ये नया नेतृत्व बहुत तेजी से उभरा है और बातचीत में सॉफ्ट है, इसलिए इनकी पकड़ बनती भी जा रही है। इसीलिए बीजेपी ने नया दांव खेला है, नया दांव खेला, नया चेहरा उधर प्रोजेक्ट किया। और देखिए ज्ञानेश्वर जी जो जो संतोष कुमार सिंह जो चुनाव जीत करके आए और उनके भाई आलोक सिंह भी, आलोक सिंह तो वह संतोष कुमार सिंह जो जीत करके आए वो देखिए उसमें पूरा सुपड़ा साफ था भारतीय जनता पार्टी का, यही एक आदमी है जो शख्स जीत करके उधर से आया है MLC जी। तो यह भी एक बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैसेज भी है ये कि उधर का पूरा शाहबाद का बेल्ट पूरा साफ है और यही आदमी जीत के आ रहा है। नहीं बाद में इन्हीं लोगों ने जीवन कुमार को भी जिता दिया, तो सारा कुछ ये बैटिंग बॉलिंग इन्हीं का किया, बैटिंग बॉलिंग इन्हीं का किया, इन्हीं का किया हुआ है। और बाद में देखिए कि जब सरकार पर आफत विफत था तो कैसे इन्होंने दो, हाँ मुरारी गौतम को ले आए, हाँ, फिर वो संगीता कुमारी को ले आए, दो विकेट गिरा दिया। तो यह सब है इनमें, कुबत है। तो यह इसको पुरस्कार भी मिला। चलिए तो देखिए ये बात हुई अश्विनी चौबे की, बाबा की, और बक्सर, काराकाट, सासाराम की पॉलिटिक्स की। अब हम बात करते हैं उस विधायक की, जेडीयू के उस विधायक की जो अपने ही प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नहीं दिख रहे हैं, बांका की बात है जी। जेडीयू के विधायक हैं बेलहर के मनोज यादव, जब सरकार को विश्वास मत के लिए वोट की जरूरत थी तब भी इनका नखरा किस तरीके से गायब थे। अब जबकि लोकसभा चुनाव 2024 है, गिरिधारी यादव उम्मीदवार हैं बांका में, सामने जयप्रकाश नारायण यादव हैं, मनोज यादव जेडीयू के विधायक अपने ही पार्टी के, अपने ही दल के सांसद और उम्मीदवार गिरिधारी यादव के पक्ष में प्रचार करते नहीं दिख रहे, कुछ न कुछ तो नाराजगी है। हाँ गिरिधारी यादव और मनोज यादव में बनती नहीं है, मनोज यादव के भाई संजय यादव बताए जाते हैं जो आरजेडी से टिकट चाहते थे, वही टिकट जो है सो टिकट नहीं मिला जी, ये चाहते थे तो आरजेडी से टिकट चाहते थे, हाँ संजय यादव मनोज यादव के भाई, और मनोज यादव और गिरिधारी यादव में बिल्कुल बनती नहीं है। देखिए ये मनोज यादव कह रहे हैं कि मुझे कटिहार का प्रभारी बना दिया गया है इसलिए मैं कहां वक्त दूं, तो प्रभारी तो बहुत तमाम लोग यहाँ के जो है वहां बने हुए हैं, लेकिन वक्त तो दे रहे हैं लोग, नहीं कहीं ना कहीं अब नाराजगी दिखाई पड़ रही है जो गिरिधारी यादव के लिए ही अच्छा नहीं है जी, क्योंकि वहां पर गिरिधारी यादव के लिए जब अच्छा नहीं होगा वहां पर तो फिर
आपको लड़ना भी किससे है, जयप्रकाश यादव है आपके खिलाफ में, जयप्रकाश यादव है आरजेडी से, बिल्कुल, तो वह भी मजबूत है, वह उतना आसान नहीं है कि जयप्रकाश यादव को हिला देना जे। तो वह जब मजबूत आदमी के साथ में लड़ रहे हैं और आपको अपने ही आदमी साथ में नहीं खड़े हैं तो आप अकेला महसूस करिएगा। और फिर पार्टी नेतृत्व तो क्या करता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इनकी नाराजगी लंबे समय से चली आ रही है, इनकी नाराजगी लंबे समय से चली आ रही है। नीतीश कुमार से भी नाराज थे, हाँ नीतीश कुमार से नाराज थे, तभी ना आपको कॉन्फिडेंस के समय जो देखा ये गड़बड़ कर रहे थे। हाँ तो चलिए तो देखिए ये बांका की बात हुई, अब हम चलते हैं पूर्णिया। देखिए आज पूर्णिया में जेडीयू वालों को और आरजेडी की बीमा भारती दोनों को अजीत सरकार याद आ गए। पप्पू यादव की भरत बनती हुई देखकर अजीत सरकार याद आए, क्योंकि पप्पू यादव तो उस जुर्म में बरी किए जा चुके हैं। बिल्कुल जी, तो आज देखिए यह मैटर अब समाप्त हो चुका है। हाँ। सरकार वाला जो प्रकरण था यह तो लोग भूल भी गए, और किस कालखंड की बात है। हाँ। जैसे लोग अब बोलते हैं ना कि जंगल राज की बात जैसे, तो अभी भूल गया वो 15 साल 17 साल वैसे 20 साल पहले, और ये पहले की बात है इसको अब। अच्छा बीमा भारती याद कर रही, और बीमा भारती आरजेडी के प्रत्याशी है, बीमा भारती से तो सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि यदि पप्पू यादव को आप कुछ मानती हैं इस मामले में, तो 1998 में जो कांड हुआ, 2004 में लालू यादव ने क्यों टिकट दे दिया था भाई पप्पू यादव को? ये तो लालू यादव से पूछना चाहिए। हाँ, लालू यादव से पूछना चाहिए भाई, आप जब इतने बड़े को आप हाँ बोल रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं। तो ज्ञानेश्वर जी ये बात बताइए, ये तो ठीक है, तो फिर यह सवाल तो जी कृष्णैया वाले हत्याकांड पर भी। हाँ, लवली आनंद आनंद मोहन की पत्नी, आनंद मोहन तो सजा याफ्ता, यह बात पूछ। हाँ, संतोष कुशवाहा जो इस सवाल को उठा रहे हैं, और बीमा भारती 2014 में लालू यादव ने क्यों मधेपुरा से टिकट दिया था, वही कह रहे हैं ना, ये तो इनसे पूछिए ना कि कैसे ये सब हो रहा है। और ये तो अब ये लोग घिरते हुए वहां दिखाई पड़ रहे हैं, ये इन लोगों के पास संतोष कुशवाहा हो या बीमा भारती हो, इन लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह का। अब बीमा भारती के पति अवधेश मंडल है, क्या हिस्ट्री रही है सबको पता है। बिल्कुल, अरे वो छोड़ दीजिए, वो तो अभी कुछ दिन पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय उनकी गाड़ी का सर्च हुआ, तो वो हथियार जैसे लगता है कि जैसे अमरूद उमरूद लेके आदमी चलता है, आम केला उस तरह से लेकर, तो वो रिनाउंड नहीं। अवधेश मंडल का जो इतिहास है ना वह तो बहुत ही ब्लैक है ना। बिल्कुल, तो फिर जब चर्चा होगी ये बातें निकलेगी, तो अब आज अजीत सरकार याद आए थे, क्या पप्पू यादव की जो बढ़ रही बढ़त है इसके कारण लोग परेशान है? देखिए निश्चित रूप से वह घिरते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं जी। तो अब स्पेस इन लोगों को चाहिए, तो अब इसी तरह का अब आप देखिएगा कुछ दिन तो बिलो द बेल्ट बात होगी, कुछ दिन में आपको हमको डिस्कशन करने में भी अब परेशानी होगी कि अब बोला क्या जाए जी। क्योंकि बात अब जैसे गिरते गिरते बिलो द बेल्ट बात होगी तो आप क्या बोलिएगा, तो ये परेशानी होगी कुछ दिन में। ये तो जैसे जैसे चुनाव अभी आगे बढ़ने दीजिए, अभी तो छोटा छोटा नहीं। मजेदार बात ये रही कि संतोष कुशवाहा भी पप्पू यादव का ही नाम ले रहे हैं, बीमा भारती भी पप्पू यादव का ही नाम दे रहे हैं, तो ये बात तो एस्टेब्लिश हो गई नहीं कि वहां लड़ाई मौजूदा सांसद भी पप्पू यादव से लड़ रहे हैं और आरजेडी की बीमा भारती भी लड़ रही है। हाँ, अब पप्पू हम तो ज्ञानेश्वर जी हम लोग 3 दिन पहले ही इसमें कह रहे कि पप्पू यादव से ही सबकी लड़ाई, पप्पू यादव नहीं लड़ रहे हैं, पप्पू यादव से ही तमाम लोग तमाम फोर्स उनसे लड़ रहा है, और उसके लिए तमाम तरह का जितना भी प्रयास हो सकता है वो लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। तो आपने सुना, देखिए पूर्णिया में क्या हो रहा है, अश्विनी बाबा कैसे रोए, और बांका का हिसाब क्या है, और मुकेश सहनी ने क्या फैसले किए, मुकेश सहनी की आधिकारिक घोषणा का भी इंतजार भी हम करेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।